रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। उन्हें एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद गिरफ्तार किया था। एक महीने तक जेल में रहने के बाद रिया अपने घर पहुंची हैं। आपको बता दें, जैसे ही रिया चक्रवर्ती की मां संध्या चक्रवर्ती को इस बारे में खबर मिली थी कि 28 दिनों के बाद उनकी बेटी को जेल से बाहर आने की इजाज़त मिल गई है। ये सुनकर संध्या चक्रवर्ती के मुंह से निकला ईश्वर है, और वो रो पड़ी। ये पूरा समय रिया के परिवार पर काफ़ी भारी पड़ रहा है। उनकी मां ने बताया कि रिया के पिता बेहोश होकर गिरने ही वाले थे। आपको बता दें, रिया की मां संध्या ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा, रिया पर क्या बीती है, वो इन सब से कैसे हील होगी, लेकिन वो फाइटर है, वो मजबूत होगी। रिया के दोस्तों ने उनको जेल के गेट से रिसीव किया और उनके सांता क्रूज घर लेकर आए। उनकी मां संध्या चक्रवर्ती ने कहा कि अब उनकी बेटी कुछ देर बैठकर झूठी बदनामी और पूरे देश ने जो लिंचिंग की है उस बुरे सपने से उबर पाएगी। उन्होंने कहा, मुझे उसको इस दुख से बाहर लाने के लिए थेरेपी करवानी होगी। रिया की मां ने कहा कि राहत की बात यह है कि वह जेल से बाहर आ गई है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा बेटा अभी भी जेल में है और मैं ये सोचकर पागल हो रही हूँ। रिया के पड़ोसी ने रिसेंटली दावा किया था कि उन्होंने रिया सुशांत को 13 जून की शाम साथ में देखा था। इसको रिया की मां ने गलत बताया। उन्होंने कहा, हम उस पड़ोसी को जानते हैं, वो सुशांत की बहुत बड़ी फैन थी, हमारे घर भी एक बार मिलने आई थी। बिना प्रूफ के वो ऐसा क्यों कह रही है, ये समझ से परे है। रिया और सुशांत की लोकेशन चेक करके पता चल जाएगा कि ये एक और झूठ है। रिया की मां ने कहा, जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है हम डर जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि कौन आ जाए। कई बार रिपोर्टर CBI बनकर भी हमारी बिल्डिंग में घुस आते हैं, हमें दरवाजे के बाहर CCTV लगवाने पड़े हैं। रिया की मां ने कहा, मेरे बच्चे जेल में हैं तो मैं बेड पर सो भी नहीं पाती, मैं खा नहीं पाती, किसी अनहोनी का ख्याल आता है तो आधी रात को उठ जाती हूँ, मेरा परिवार बर्बाद हो गया है। एक पॉइंट पर तो मुझे आत्महत्या के ख्याल आने लगे थे, मुझे थेरेपी लेनी पड़ी। और जब ऐसे विचार आते हैं तो मैं सोचती हूँ कि बच्चों के लिए मुझे जीना है। उन्होंने कहा, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है, उसने इतना कुछ सहा है और आज घर आकर बोली, आप दुखी क्यों लग रही हैं, हमें स्ट्रांग होकर इससे लड़ना है। आपको बता दें कि बेल ऑर्डर में रिया के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। क्या है आखिर वो 8 शर्तें, आइए देखते हैं। पहली शर्त, रिया को 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी जाए। दूसरी शर्त, रिया अपना पासपोर्ट जांच एजेंसी के पास जमा कर दें। तीसरी शर्त, रिया मुंबई के NDPS के स्पेशल जज की परमिशन के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकती हैं। चौथी शर्त, अगर रिया को ग्रेटर मुंबई के बाहर जाना है तो उन्हें जांच करने वाले अफसर को सूचित करना होगा और एडवांस में उन्हें यात्रा कार्यक्रम के बारे में बताना होगा। पांचवी शर्त, रिया को 6 महीने तक हर महीने के पहले सोमवार को सुबह 10 से 11 के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंचना होगा। छठी शर्त, जब तक कोई उचित कारण नहीं है तब तक रिया को कोर्ट की डेट्स पर मौजूद रहना होगा। सातवीं शर्त, रिया सबूतों या केस की जांच के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती हैं। आठवीं शर्त, बेल पर रिहा होने के बाद 10 दिनों तक रिया को नजदीकी पुलिस स्टेशन में सुबह 11 से शाम 5 के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।